हमने एसडीएम हीरानगर के थ्रू होम मिनिस्टर को ये मेमोरेंडम जो है वो भेजा है, जिसमें हमने दर्शाया गया है कि प्रवासी मजदूर, रेड़ी फड़ी, छोटे दुकानदार, किसान, टैक्सी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, बसेस, मेटाडोर, इंक्लूडिंग सारे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सबको सरकार कुछ ना कुछ, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज बोल रहे हैं, उसमें से हिस्सा दे, ताकि ये जो सेक्शन है ये अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से कर सकें। हमारी पुरजोर डिमांड रहेगी कि ये जो मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेड़ी फड़ी वाले हैं, यही देश के निर्माता हैं, और इनके बगैर हम देश की संरचना के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप देखते हो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन इन सब में मजदूरों का और छोटी जो सेक्शन जो है, गरीब सेक्शन जो है, उनका खून पसीना लगा हुआ है। लिहाजा हमारी सरकार से ये विनती है कि कृपया इन सेक्शन का ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना नुकसान किया है और अपनी नौकरी भी गंवा दी है। कृपया जो हमारी सरकार है, जितने भी सेक्शन सफर हुई हैं, या हमने मेमोरेंडम के मुताबिक मेंशन की है, उन सेक्शन का ध्यान रख के उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत नकद सहायता राशि डाली जाए। जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है कांग्रेस का स्पीक अप, उसके तहत एक इंस्टेंट हेल्प जो है वो 10,000 की जानी चाहिए और 6 महीने के लिए 7500 रुपया, यानी 7,500 रुपया पर महीने के हिसाब से लोगों के खाते में डाला जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी को कुछ गति मिल सके और इन सेक्शन का कुछ भला हो सके। साथ में मैं दूसरी जो बात लेकर के हमने यहाँ पे मेंशन की है डोमिसाइल की, कि जो डोमिसाइल कानून जहाँ पे लाया गया है, उसका जो पीरियड है, इन्होंने बाहर के लोगों के लिए जो जहाँ पे नौकरी कर गया है 10 साल रखा है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ये चाहेंगे अगर आपने बाहर के लोगों को इंडक्ट करना भी है, तो उसका जो पीरियड है, उसका जो पीरियड की जो गिनती है, वो शुरू की जाए 5 अगस्त से। जिस दिन ड्यूटी बनी थी उसी दिन से उस पीरियड को इंक्लूड किया जाए, वरना यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग बाहर के रहते हैं, चाहे वो मुलाजम की शेप में हो या मजदूरों की शेप में हो या कोई और प्राइवेट काम करते हो, तो फिर तो हमारे जो युवा हैं बेचारे जेएंडके के, जो आगे ही मिलिटेंसी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और खास तौर पर इंटरनेट ना होने की वजह से रेस्ट ऑफ कंट्री से जरिए उनका हम करवाते हैं कंपटीशन, वो कहीं भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि एक छात्र को आप पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे छात्र हैं उनको आप इंटरनेट की सुविधा भी नहीं दोगे, तो फिर ऊपर से आप बोझ डाल दोगे। यहाँ हमारा पहले कंपटीशन जो था वो सैकड़ों में था या हजारों में था, और अब जो कंपटीशन है वो कंपटीशन जो है वो लाखों में होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम जिस तरह से की गाइडलाइन बनाई है सरकार ने डोमिसाइल के लिए, अगर उन सभी सेक्शन को डोमिसाइल इशू कर दिया गया, तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोग ही यहाँ पे एडजस्ट होंगे, और हमारी जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बेरोजगार, खास तौर पे युवा जो 20 साल से लेकर 40 साल तक के जो है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस हमेशा एक सशक्त, जैसे हम कहते हैं, ओपोजिशन की भूमिका निभाती है, निभाती रहेगी, और युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, रेड़ी फड़ी वालों और हमारे ट्रांसपोर्टर और छोटे दुकानदारों के जो इश्यूज हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार हल करे, उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत पैसा डाले, जैसा मैंने मेंशन अभी बताया सारा। तो उसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।